भोपाल में कला कुंभ के माध्यम से विजुअल आर्ट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित कला कुंभ के माध्यम से यूएसए, जर्मनी, मोरक्को सहित कई देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ज्यूरी टीम के द्वारा कलाकारों को चयनित कर उनको पुरस्कार दिया। ज्यूरी टीम ने जाने माने चित्रकार डॉक्टर रामा शंकर मिश्रा, फोटोग्राफर राजा मवाल, प्रसिद्ध चित्रकार हंसराज कुमावत मौजूद रहे। इसमें अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया, जिसमें सबसे बड़े पुरस्कार में मध्य प्रदेश के यतेंद्र मोहबे, जर्मनी से कैस्टीन हाइड्रिच और कोलकाता से शिंजनी चटर्जी को दिया गया। इस दौरान कला रत्न से 15 कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न कोनों से लोगों ने अपनी बनाई गई पेंटिंग, कलाकृतियां और हुनर का प्रदर्शन किया। हाथों से बनाई गई कलाकृतियां और पेंटिंग देखते ही बनती थी। पेंटिंग और कलाकृतियों में भोजपुर का शिव मंदिर, सूर्योदय में जल चढ़ाते हुए ऋषि, दुर्गा माता, पर्यावरण, पशु पक्षी, भगवान शिव सहित कई कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कला कुंभ संयोजक और चित्रकार राम बरखने ने बताया कि इस प्रदर्शनी को लोगों ने खूब पसंद किया है। राम बरखने ने इस मौके पर सभी ज्यूरी मेंबर्स का धन्यवाद किया। कला कुंभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर तरह के विजुअल आर्ट्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जगह होती है। और 2020 में जो एग्जीबिशन हुआ ये बहुत ही कमाल का और इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, जिसे हमने हमारे फेसबुक पेज कला कुंभ पर ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें भारतीय कलाकारों के साथ साथ यूएसए, जर्मनी, मोल्डोवा, मोरक्को और भी कई देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। हालांकि चुने गए थे कुछ ही देश के कलाकारों को। तो इस प्रोग्राम में, इस एग्जीबिशन में जो हमारे ज्यूरी टीम रही, उनका खासतौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर रामाशंकर मिश्रा जी, जो कि एक बहुत जाने माने चित्रकार हैं और हमारे भोपाल के वरिष्ठ फोटोग्राफर और देश के जाने माने फोटोग्राफर श्री राजा मावल साहब, और देश के हम एक्चुअली बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार हैं श्री हंसराज जी चित्रभूमि, जो कि जयपुर से हैं। तो इन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने इनकी ज्यूरी टीम ने इनने मिलकर सेलेक्ट किया कि कौन कौन से आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सबको चुनकर एक लिस्ट जारी की, जिसमें हमारे जो विशेष जो पुरस्कार होते हैं, जैसे कि श्री कलाकुंभ सम्मान, जो कि सर्वश्रेष्ठ जो तीन चित्रकार हो या तीन कलाकार होते हैं किसी भी फील्ड के, चाहे वो शिल्पकार हो, फोटोग्राफर हो या पेंटर हो या म्यूरलिस्ट हो, किसी भी तरह का आर्ट वर्क हो, विजुअल आर्ट हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सब तरह के विजुअल आर्ट फॉर्म्स हैं, तो जो टॉप थ्री होते हैं उनको होता है, उनको मिलता है श्री कलाकुंभ सम्मान। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।